वेलकम। हाई एवरी वन, आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। सो आज का जो व्लॉग है, आई स्टार्टेड फ्रॉम द पार्क। हमारे घर के पास ये बड़ा खूबसूरत नेचुरल पार्क है, और इनको उसने जो स्टेट है यहाँ की, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज किया हुआ है। सो इट्स जस्ट फुल ऑफ ग्रीन्स एंड प्ले एरियाज फॉर द किड्स, और बड़ी एक्टिविटीज़ जो है बड़े लोगों के लिए भी, अडल्ट्स के लिए, लाइक बारबेक्यू, हाइकिंग और रनिंग ट्रैक्स हैं। बहुत प्यारी छोटी छोटी सी जो है वो पॉन्ड्स हैं, झीलें टाइप जो होती हैं वो। सो हम लोग घर के बिल्कुल पास है ये, एवं बस हम लोग लेज़ी हो जाते हैं, जाते नहीं हैं। तो मैंने फिर डिसाइड किया है कि अब ज़रूर को जो है वो डेली बेसिस पे लेके जाया जाए पार्क में, क्योंकि वो जो है वो बड़ा अजीब तरह से बिहेव करता है। और जब से हमने उसको लेके जाना शुरू किया है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। तो मेरे हिसाब से बच्चों को जो है वो ये इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली जो लोग हम यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि हमारे घर आपको पता है इतने बड़े नहीं होते, कंजस्टेड से घर होते हैं और इतनी स्पेस नहीं होती बच्चों के लिए। सो इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट कि उनको लेके जाया जाए। और फारिस जो है वो डिफरेंट बिहेव करता है, क्योंकि वो शुरू से ही बाहर जा रहा है, लोगों को देख रहा है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। वो बहुत इंजॉय करता है। और जरून को लेके उसके डैडी जो है वो दूसरी साइड पे गए थे, मैं और फारिस यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। उसको जिस चीज़ की तरफ भी फारिस को वो लेके जाए, उसको बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय करता है। और फारिस जो है वो डिफरेंट बिहेव करता है, क्योंकि वो शुरू से ही बाहर जा रहा है, लोगों को देख रहा है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। वो बहुत इंजॉय करता है। और जरून को लेके उसके डैडी जो है वो दूसरी साइड पे गए थे, मैं और फारिस यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। उसको जिस चीज़ की तरफ भी फारिस को वो लेके जाए, उसको बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय करता है। और ये वो वाली छोटी सी झील सी है, बड़ी कामिंग, बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत जो है वो मेंटली आपको वो रिलैक्स और एक जो सुकून होता है वो मिलता है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई जस्ट गॉट रियली रियली फ्रेश इनसाइड आउट। आई जस्ट कांट एक्सप्लेन माय वर्ड्स। सो नेचर है, ग्रीनरी है, इसको देख के वैसे ही बंदे का दिल खुश हो जाता है। दिस इज़ समथिंग लाइक, कोई मेरे लिए वो नहीं है, सबके साथ ही आई थिंक ऐसे ही होता है। मेरी बड़ी प्यारी आंटी हैं पाकिस्तान से, इधर ही हमारे पास रहती हैं, बड़ी प्यारी फैमिली है, बड़ी अच्छी हमारे के साथ रिलेशन्स है। तो ईद पे वो नहीं मैनेज कर सके थे आना, तो ईद के बाद फिर जो है वो हम लोगों ने गेट टुगेदर किया छोटा सा। तो मैं उनके लिए भी खाना बनाने लगी हूँ, और खाने में बिल्कुल भी कोई भी स्पाइसेस आज नहीं जाएंगे, बहुत ही लाइट सा जो है वो खाना बनेगा। तो यहाँ पे मैं मैरिनेशन जो है वो प्रिपेयर कर रही हूँ चिकन का और मटन का, और इसमें जो है वो ग्रीन चिलीज़ और जो कैप्सिकम होती है, रेड कैप्सिकम, शिमला मिर्च और प्याज जो है उनको मैंने ग्राइंड कर लिया, और योगर्ट है, और बेसिक जो टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट है, और धनिया पाउडर है। तो यहाँ पे मटन को मैंने बॉईल कर लिया था, क्योंकि मैंने बिरयानी भी बनानी थी, तो मैंने इकट्ठा ही सारा बॉईल कर लिया था। और यहाँ पे मैंने चिकन को जो है वो मैरिनेट करके ओवरनाइट जो है वो रख दिया था। और मीठे में जो है वो मैंने बनाई थी, ये हाथ वाली सेवई है, मेरी अम्मी ने बना के दी थी मुझे, तो हर साल जब मैं जाती हूँ वो बनाती हैं। तो कस्टर्ड वाली ये सेवइयाँ थी, और इसमें जो फ्रूट्स ऐड करके और आइसक्रीम के साथ इसको सर्व किया था। बस हल्का सा इसको सौते करके बटर में, इसमें जो है वो मिल्क ऐड किया, शुगर ऐड किया है, बहुत लाइट थी, बहुत मीठा मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं खाते हैं और ज़्यादा सॉल्ट पेपर भी। मैंने उनके लिए बहुत लाइट लाइट रखने की कोशिश की थी, आई होप के लाइट ही रहा होगा।
तो यहाँ पे जो है वो मटन भी बॉयल हो गया था, और ये जो स्वीट डिश बना रही हूँ ये भी हो गई थी, बस कस्टर्ड इसमें ऐड किया। और ये मैंने रात को ही करके रख दिया था, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो अगर आप थोड़ा सा एक दिन पहले या रात को करके रख लें तो नेक्स्ट डे आपके लिए आसानी हो जाती है। सो इस तरह से जो है वो इनको मैंने रख लिया था, लेकिन सर्व करने से पहले मैंने फिर जो है आइसक्रीम ऊपर ऐड करी थी। और आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, मेरा थोड़ा सा थिक हो गया था, क्योंकि जब आप इसमें फ्रूट्स ऐड करते हैं तो ये फिर और ज़्यादा थिक हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा रनी ही जो है ना वो रखना है, या जो यूजुअली कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी थिक होती है, लेकिन इसको थोड़ा सा रनी रखना है, तभी इसका अच्छा जो है वो मज़े का फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे मैंने ज़रून को बना के दिए थे चिप्स, कुछ और खा नहीं रहा था शाम को, तो फिर मैंने उसको चिप्स बना दिए थे। सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, मैंने अपना जो है वो सूट निकाला था, अगेन दिस इज़ फ्रॉम सफ़ायर, और मेरे दर्जी ने बड़ा खूबसूरत डिसेंट सा करके इसको स्टिच किया था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फिट जो है ना बस वो आया था, क्योंकि आई थिंक मैंने जो है वो वेट दोबारा से थोड़ा सा गेन किया है। तो आई एम ट्राइंग के दोबारा से उसको, क्योंकि मेरा 2-3 kg जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है। सो बड़ा प्यारा इसका खूबसूरत, इसके साथ एक्चुअली इसका दुपट्टा और इसका ट्राउज़र किसी और कलर का था, पैरट से कलर का, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं था, सो वो मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया था, मैंने कहा तुम इसका कुछ बना लो। तो मैंने फिर इसको पेयर अप किया था वाइट शलवार और वाइट दुपट्टे से, बड़ा प्यारा इसका शिफॉन का जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा था। तो ये भी मैंने जो है वो चेंज किया था, और फिर मुझे याद आया कि अभी मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स कम पड़े हैं, मुझे थोड़ी सी क्रॉस्टिक करनी थी। तो मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे ऑफिस का, उनको होम ऑफिस होता है, तो मैं फिर जो है ना वो ऐसे ही चली गई थी। यूजुअली मैं पाकिस्तानी कपड़ों में इस तरह से टेस्को लिडल वगैरह पे नहीं जाती, क्योंकि देन यू लुक लाइक एन एलियन, क्योंकि हर बंदा आपको घूरा होता है, क्योंकि यहाँ पे यू नो उस तरह से हमारी कम्युनिटी भी नहीं है और लोग इस तरह से पहनते भी नहीं है, तो यहाँ पे बड़ा अजीब सा वो लगता है, हर कोई बंदा आपको देख रहा होता है। आई एम श्योर कि वो उनको अच्छा लग रहा होगा, शायद इसलिए देखते होंगे, एक डिफरेंट सी चीज़ होती है, लेकिन हमें थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। और यहाँ पे मैंने बना ली थी चाट, इसमें गए हैं बॉयल्ड पोटैटोस हैं, चिकपीज हैं, और एप्पल बनाना है, और कुछ मेरे पास चेरीज थी, योगर्ट ऐड किया था और चाट मसाला ऐड किया था, एंड दैट सेट, और थोड़ी सी शुगर ऐड की थी। और साथ मैंने बना ली थी पफ पेस्ट्री, पफ पेस्ट्री को बस इस तरह से शेप दे के मैंने बेक कर लिया था 10 से 15 मिनट में 200 डिग्रीज पे, और साथ ये कपकेक्स थे, कपकेक्स मैंने टेस्को से लिए थे, लेकिन ये थोड़े से मैंने जब मैं खाने के बाद मुझे पता चला था कि इनमें थोड़ा जो है ना वो मीठा ज़्यादा था, लेकिन इनको मैंने जब सर्व किया था तब मैंने इनके ऊपर इनको गार्निश किया था क्रीम से, और जो मैंने उस दिन ब्लूबेरी जैम बनाया था, और इस ये भी मैं इसको बेक करने रख दिया था चिकन को, और साथ पोटैटोस को उसी जो मैरिनेशन था जो बच गया था उसके अंदर मैंने और योगर्ट और जो टिक्का मसाला होता है वो ऐड किया था, और ऐड किया था सूखा धनिया, और इसके अंदर मैंने जो चॉप्स थी मटन चॉप्स वो मैंने जो है मैरिनेट करके, और ऊपर मैंने सूखा धनिया और जो होता है पुदीना वो ऐड करके, तो उसको भी मैंने रोस्ट करना रख दिया था, दोनों को इकट्ठा ही रोस्ट करना रख दिया था, चिकन को भी और मटन को भी। और यहाँ पे बन रही है साथ बिरयानी, और साथ मैंने एग फ्राई किए हैं, क्योंकि मैंने बनाने थे एवोकाडो टोस्ट, और चावल भी जो है वो मैंने धो के पास रख लिए थे, और टोस्ट भी बना लिए थे, सिर्फ बिरयानी रह गई थी, और वो भी ऑलमोस्ट जो है वो डन होने वाली है। सो इस तरह की जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो प्रिपरेशंस आपने की होती हैं डे अहेड और डे बिफोर और नाइट बिफोर, वो उसमें थोड़ा सा आपका काम जो है ना वो आसान हो जाता है मेरे ख्याल से, और ऊपर से हमारे पास कोई हेल्पर्स भी नहीं होती हैं, हम अकेले होते हैं यहाँ पे, तो फिर हमारे लिए ये एक अच्छी ऑप्शन होती है, फिर चीज़ें थोड़ी सी मैनेज हो जाती हैं। और यहाँ पे मैंने जो मटन बॉयल किया था वो ऐड किया था, और जो मैरिनेशन बच गया था चॉप्स का वो ऐड किया था, योगर्ट और बिरयानी मसाला और टमाटर और नमक डाल के तो मैंने इसको भून लिया था, और थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची ऐड की थी, एज आई सेड कि मैंने इसको बहुत लाइट रखने की कोशिश की थी, ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा सॉल्टी बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पे बनाऊंगी चिकन के कबाब, ये मेरे पास एवोकाडो बच गया था वो भी मैंने ऐड कर दिया था, बटर ऐड किया था, और जो मैंने पेस्ट बनाया था शिमला मिर्च का और
लहसुन अदरक और अनियंस का वो ऐड किया है और नमक और काली मिर्ची ऐड करके तो मैंने इनकी जो है वो पैटीज बना के तो ये भी फ्राई कर ली थी। और यहाँ पे अभी लगेगा बिरयानी को दम, चावल भी हो गए थे और इस तरह से जो है वो मसाला जो मटन का बनाया था वो ऐड किया था, उनकी लेयरिंग की थी। ऊपर मैंने जो है वो हरी मिर्ची और लेमन के स्लाइसेस जो है वो ऐड किए थे और फूड कलर ऐड करके इसको दम पे लगा दिया था। और साथ में हमेशा जब भी बिरयानी बनाती हूँ, चिकन की हो, मटन की हो, बीफ की हो, आई ऑलवेज गो विद फ्रेंच फ्राइज ऑन टॉप ऑफ इट। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि इससे ज़रा बिरयानी जो है ना उसकी एक तो लुक इनहेंस होती है और दूसरा उसका जायका बड़ा मज़े का आता है। और मैं हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी था, मेरे प्यारे मेहमान आए एंड वी सर्व द फूड एंड वी एंजॉयड इट और वो बड़े प्यारे प्यारे से गिफ्ट भी लेके आए। और ये है जी फाइनल लुक ऑफ द प्लेटर। मैंने इसका जो है वो एक ग्लिम्प्स भी अपलोड किया था इंस्टाग्राम पे। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द पेस्ट्रीज। इसमें मैंने जैम और क्रीम्स और कपकेक्स के ऊपर भी क्रीम ऐड करके तो फिर मैंने चाय के साथ ये सर्व किए थे और इससे पहले मैंने जो मीठा बनाया था वो सर्व किया था। और ये ग्रिल है, इलेक्ट्रिक ग्रिल वो लेके आए थे एज अ गिफ्ट, विच इज़ रियली रियली नाइस ऑफ हिम। थैंक यू सो मच उमा भाई एंड आंटी, बहुत प्यारे गिफ्ट लेके आए थे। और कुछ गिफ्ट्स वो टर्की से लेके आए थे, टर्की विज़िट करते रहते हैं, वो सारी फैमिली जाती रहती है वहाँ पे। तो ये बड़ा प्यारा सा, मैं अक्सर जब टर्किश वो देखती हूँ उनके व्लॉग्स और उनके जो फूड्स वगैरह थे उनमें उन्होंने इस तरह से रखा हुआ होता है, यू कैन सर्व नट्स इन देम और डिप्स और चटनियाँ या कुछ भी इस तरह से जो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी वो आप इसमें रख सकते हैं। तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था और ये बहुत हैवी है, देखने में नहीं लग रहा होगा लेकिन ये माशाल्लाह से बड़ा हैवी है और बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच। और काफ़ी सारी और भी चीज़ें जो खाने पीने की थोड़ी वो जो थी, पाइज और आई थिंक चेरीज पाई थी और ये उनका टर्किश डिलाइट होता है जो बड़ा फेमस है वो था, और कॉफ़ी और पास्ता वगैरह सारा कुछ वहाँ से लेके आए थे। सो बड़े प्यारे गिफ्ट थे, थैंक यू सो मच। और आई होप यू एंजॉयड टुडेज़ वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लीव अ कॉमेंट बिलो और डू लीव एनी सजेशंस इफ़ यू हैव, और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा बिकॉज दैट विल सपोर्ट मी एंड मोटिवेट मी। सो टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।